नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण के कथित वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने प्रेस वार्ता की। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एसएसपी वैभव कृष्ण ने गोपनीय दस्तावेज लेकर सर्विस रूल का उल्लंघन किया है। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने गोपनीय दस्तावेज लीक क्यों किए। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी नोएडा ने सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हमने निष्पक्षता के आधार पर केस को हापुड़ ट्रांसफर कर दिया। एसपी हापुड़ इस मामले की जांच कर रहे हैं। आईजी मेरठ जोन इस मामले को नजदीकी से देखेंगे। एडीजी मेरठ से जांच कराने को कहा गया है। एडीजी मेरठ ने जांच के लिए और समय मांगा है। हमने 15 दिन का और समय दिया है। इस जांच में साइबर क्राइम एक्सपर्ट और एसटीएफ की मदद ली जा रही है। यूपी पुलिस में हड़कंप मचाने वाले इस प्रकरण में आईजी रेंज मेरठ आलोक सिंह से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। पूरे मामले पर आईजी रेंज की रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि एसएसपी वैभव कृष्ण द्वारा मुख्यमंत्री को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन उन्हें यह रिपोर्ट अब तक नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम ऑफिस से गोपनीय रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के मुताबिक एसएसपी नोएडा ने मुख्यमंत्री को भेजी अपनी रिपोर्ट में आईपीएस अफसरों पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए थे। वैभव कृष्ण ने इस मामले के पीछे ऐसे ही अफसरों को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। एसएसपी गौतम बुद्ध नगर एसएसपी नोएडा के द्वारा कुछ गोपनीय दस्तावेज, जिसका जिक्र मैंने किया कि उन्होंने शासन को भेजा था, शासन ने तत्काल इसको गृह विभाग को भेजा और गृह विभाग ने हमें भेजा, जिसके आधार पर मैंने एडीजी मेरठ जोन को इसकी जांच करने के लिए दिया, ये वायरल हो गया। मैं एक चीज बता दूं कि उस गोपनीय पत्र में, जिसकी कॉपी आपके पास है, उसमें कई चीजों का जिक्र किया गया था और उसके आधार पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। अतुल शुक्ला, शकीना, मोहम्मद जुहेद, विष्णु कुमार पांडे, अनुभव भल्ला और अमित शुक्ला, इन छह व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया कि ये बेसिकली गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर टेंडर लेना चाहते थे और इसकी गृह विभाग ने शासन के स्तर पर जांच करवाई और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसमें से दो व्यक्तियों को जेल भेजा गया, दो ने बेल पर स्टे ले लिया है और एक अभी भी, एक या दो फरार चल रहे हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की गई। उस गोपनीय पत्र के दस्तावेज जो भेजे गए थे एसएसपी नोएडा के द्वारा, ये इसकी जांच की जा रही है जैसा मैंने पहले कहा, और पूरी तथ्यों की जानकारी के बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों का मानना है कि ये एक अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशंस हुआ एसएसपी नोएडा के द्वारा और ये ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए हमने आईजी मेरठ रेंज को कहा है कि उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने इस तरह की दस्तावेज को, जो गोपनीय था, उसको क्यों वायरल किया। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।